आप देख रहे हैं समय न्यूज आवाम की आवाज। जिले के शासकीय अधिकारी और कर्मचारी संघ ने संभाग के कर्मचारियों की समीक्षा बैठक जल संसाधन सभागार स्थित प्रार्थना भवन में कई मुद्दों पर चर्चा की। इसमें दो सूत्रीय मांगों को लेकर ज्यादा फोकस किया गया, जिसमें संघ ने बताया कि राज्य सरकार ने चुनाव के दौरान वादा किया था लंबित और अन्य मांगों को पूरा किया जाएगा और कर्मचारियों की सुनवाई होगी, लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी शासकीय कर्मचारी अब तक वही मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि अब तक मांग पूरी हो जानी चाहिए थी। बावजूद इसके न सरकार सुन रही है और न किसी तरह की कोई कार्रवाई कर रही है। संघ ने ये भी कहा, 7वें वेतनमान और लंबित मांगों को लेकर 29 जून को काम बंद हड़ताल की गई थी, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि अब 25 जुलाई को और 27 जुलाई तक फिर से पूरी तरह से काम बंद कर हड़ताल किया जाना है, जिसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। और यही कारण है कि ये अहम बैठक उन्हीं मुद्दों को लेकर की गई, जिसमें आगे की रणनीति बनाई गई। इस अवसर पर अन्य संघ के लोगों ने भी अपनी बातों को प्रमुखता से रखा और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कही। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के साथ में लगभग 75 संगठन जुड़े हुए हैं और 2 सूत्रीय मांगों को लेकर हम लोग आंदोलनरत हैं। 2 सूत्रीय मांग में हम चाहते हैं कि हमें केंद्र के समान महंगाई भत्ता मिले और 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता। 29 जून को पूरे प्रदेश को हमने बंद कराया था और आगामी 25 जुलाई से 29 जुलाई तक सभी शासकीय कार्यालय अर्धशासकीय कार्यालय हम लोग बंद कराने जा रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम लोग समीक्षा बैठक लेने के लिए बिलासपुर संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और आज हम लोग दिन भर सभी हमारे जिला संयोजक है, प्रांति संयोजक है, संभाग के प्रभारी है और अन्य जो प्रांत के अध्यक्ष हैं सबके साथ मिलकर जो है आज समीक्षा करेंगे और इस आंदोलन को ऐतिहासिक बनाने के लिए निर्णय लेंगे। जी आपका शुक्रिया। कमल वर्मा, प्रांति संयोजक, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, बिलासपुर से राकेश खरे की रिपोर्ट।